तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि राहुल गांधी के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की भी सदस्यता होगी रद्द। राहुल गांधी के समर्थन में अभिषेक बैनर्जी ने किया दावा, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में कुरान शरीफ का विरोध करना, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को पड़ा भारी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, मंगवाई माफी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गौतम अडानी को फिर से बड़ा झटका। गौतम अडानी को 2 दिन में हुआ 80,000 करोड़ रुपए का घाटा, फिर से अमीरों की लिस्ट से हुए गायब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, महाराष्ट्र सरकार को बताए नपुंसक, कहा समय पर लें एक्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को नहीं मिल रहा है हॉस्टल, बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी से की शिकायत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बार की ओर, तो कर्नाटक में कुरान शरीफ का विरोध करना, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को पड़ा भारी, पुलिस ने किया लाठी चार्ज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक पुलिस ने बजरंग दल और हिंदू कार्यकर्ताओं पर उस समय लाठी चार्ज किया जब एक मुस्लिम युवक द्वारा कुरान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दरअसल आपको बता दें कि बेंगलुरु जिले के बेलूर शहर में एक ऐतिहासिक हिंदू धार्मिक मेले में एक मुस्लिम व्यक्ति ने कुरान शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद बजरंग दल सहित हिंदू कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और उस मुस्लिम युवक को घेर लिया और उस पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि अचानक ही वहां पर मुस्लिम युवक ने बिना डरे कुरान जिंदाबाद के नारे लगाए और उसी समय पुलिस आ गई। पुलिस ने इस मामले को देखते हुए हिंदूवादी कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और बुरी तरह से पीटकर वहां से भगाया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कर्नाटक में किस तरह से हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की जमकर कुटाई हुई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की भी संसद की सदस्यता की जाएगी रद्द, अभिषेक बैनर्जी ने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की संसद की सदस्यता खारिज करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से किसी समुदाय के ऊपर टिप्पणी की उसके बाद उन्हें अयोग्य ठहराया गया और उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, लेकिन ममता बैनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार मजाक उड़ाया है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की भी संसद की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, अभिषेक बैनर्जी ने इसकी मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में मस्जिद में घुसकर मौलाना की पिटाई करने से नाराज हुए सपा नेता अबू आजमी, बोले मुसलमानों ने भारत पर 800 साल हुकूमत करी लेकिन एक भी पंडित को नहीं पीटा। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जालना जिले के अनवा गांव में एक मौलाना के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस घटना के बहाने मोदी सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। अबू आजमी ने इंडिया टीवी से कहा कि एक मौलाना मस्जिद में कुरान पढ़ रहे थे, तभी 3 लोग नकाब पहनकर अंदर आए और कहने लगे कि मौलाना जय सिया राम बोलो। जब मौलाना ने कहा कि वह ऐसा नहीं कह सकते तो उन्हें बाहर लाकर मारा पीटा गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने भारत पर 800 साल राज किया लेकिन आज तक किसी भी पंडित को ना तो मंदिर में और ना ही मंदिर के बाहर लाकर मुसलमानों ने पीटा, लेकिन मोदी सरकार में और महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में किस तरह से देश में मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा, मस्जिदों में घुसकर मौलानाओं को पीटा जा रहा, जो कि बिल्कुल गलत है। अबू आजमी ने मौलाना की पिटाई करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अडानी ग्रुप को फिर से हुआ 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान, अमीरों की लिस्ट में फिर से खिसके। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो गया, अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिरते गए, लेकिन आपको बता दें कि बीच में मोदी सरकार के सहारे अडानी ग्रुप फिर से उछाल पाया, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अडानी ग्रुप एक बार फिर से बर्बाद हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के शेयरों में एक बार फिर से गिरावट का सिलसिला देखने को मिला है। बीते महज 3 कारोबारी दिनों में ही अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में करीब 80,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। इसका असर गौतम अडानी की नेटवर्थ पर भी पड़ा है और वे अरबपतियों की लिस्ट में एक बार फिर से नीचे खिसक गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप 30वें पायदान पर पहुंचे थे, लेकिन बीच में मोदी सरकार ने उनका साथ दिया तो अडानी ग्रुप जो है 20वें नंबर पर पहुंचा, लेकिन अब 24वें पायदान पर फिर से अडानी ग्रुप पहुंच गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, महाराष्ट्र सरकार को बताया नपुंसक, कहा समय रहते लें एक्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। के एम जोसेफ और बीबी नागरत्ना की पीठ ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उसे नपुंसक करार दिया है। पीठ ने कहा है कि राज्य में हेट स्पीच की घटनाओं के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, वह समय रहते कोई कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए राज्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं। पीठ ने कहा है कि राज्य में जिस समय ये घटनाएं होती हैं उस समय
नेता धर्म का इस्तेमाल करने लगते हैं। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि लोगों को खुद को समित रखने का दरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां हेट स्पीच को लेकर की है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी जा रही है और इसी को लेकर सरकार कोई कार्रवाई हेट स्पीच देने वालों पर नहीं कर रही है और इसी से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नपुंसक बताते हुए हेट स्पीच से निपटने की चेतावनी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया तो दिग्विजय सिंह ने दिया ऑफर, बोले आकर मेरे घर पर रहो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें घर खाली करने का भी केंद्र सरकार ने नोटिस दिया है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली करने के लिए राहुल गांधी से कहा है। राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस के बाद अब कांग्रेस नेता उन्हें अपने घर की पेशकश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी से कहा है कि वह मेरे घर पर रह सकते हैं, मेरा घर उनकी घर की तरह है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके फंसे राहुल गांधी को अब दिल्ली में अपना सरकारी बंगला भी छोड़ना होगा। सूरत की अदालत ने इस केस में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, वो जमानत पर है। सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को अपने घर में रहने के लिए कहा है। अब देखते हैं राहुल गांधी दिग्विजय सिंह के घर में रहते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को नहीं मिल रहा है हॉस्टल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति विवादों से घिर गए हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि वह धर्म के नाम पर एक वर्ग विशेष के छात्रों को हॉस्टल उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऐसा करने के लिए वह हिंदू छात्रों का हक मार रहे हैं। भाजपा के MLC केंद्र सरकार को शिकायत कर मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मामला जिला प्रशासन तक शिकायत के रूप में पहुंच चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों को हॉस्टल अलाट करने के भेदभाव के मामले में भाजपा के MLC मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि संज्ञान में मामला आया और कुछ छात्र जिला अधिकारी से इस संबंध में मिले हैं। दरअसल आपको बता दें कि BJP नेता ने आरोप लगाया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, वो हिंदू छात्रों को हॉस्टल नहीं दे रहे हैं जबकि मुस्लिम छात्रों को हॉस्टल अलाट किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, गंभीर आरोप BJP नेताओं ने लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉम्बे हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को लगा झटका। राष्ट्रगान अपमान मामले में याचिका कोर्ट ने खारिज करने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रगान के अपमान करने के मामले में उनके खिलाफ दाखिल शिकायत को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला दिसंबर 2021 का है। भाजपा नेता विवेकानंद गुप्ता ने ममता बनर्जी के खिलाफ निचली अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी। गुप्ता ने ममता बनर्जी को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रगान अपमान का आरोपी बताया था। भाजपा नेता ने दावा किया था कि ममता बनर्जी ने मुंबई यात्रा के दौरान यशवंत राव चवणकर ऑडिटोरियम में राष्ट्रगान का अपमान किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान शुरू होने पर ममता बनर्जी खड़े होने के बजाय बैठी रही थी। अंत में ममता बनर्जी खड़ी हुई और 2 पंक्तियां गाने के बाद वहां से चली गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप BJP नेताओं ने लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के बाद जर्मनी ने दिया राहुल गांधी के साथ लोकसभा की सदस्यता रद्द करने को बताया गलत। जब दोस्तों आपको बता दें कि मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और उनकी सांसदी जाने के मामले में अब जर्मनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जर्मनी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर समान रूप से लागू होंगे। राहुल गांधी के मामले में जर्मनी या किसी अन्य यूरोपीय देश की ये पहली प्रतिक्रिया थी। जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता एना लेना वेराक ने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी फैसले के खिलाफ अपील की स्थिति में हैं। इसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ये फैसला कायम रहेगा, क्या उनके शासनादेश निलंबन का कोई आधार है। क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने भी टिप्पणी दी थी। अमेरिका ने भी कहा था कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है उस पर वहाँ के लोग कार्रवाई की मांग करें, सुप्रीम कोर्ट वो राहुल गांधी जाएं और अपील करें कि ये काम गलत है, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे हो पाएगी। की बाबा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे निराधार बताया है और कहा कि ये सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि 5100 लेकर ये हर किसी बीमारी को ठीक करने का एक दिन में दावा करते हैं, लेकिन जब मेरा परिवार और मैं यहाँ पर बाबा से इलाज कराने गया तो बाबा ने इलाज करने के नाम पर मुझे अपने बाउंसरों से पिटवाया, मेरे परिवार के साथ अभद्रता की और फिर हमें आश्रम से बाहर निकाल दिया। तो ये उन्होंने खुलासा किया है। इसी तरह के आरोप बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर भी लगते रहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि इस समय बाबा काफी कुछ देश में कर रहे हैं।